हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरवाला के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचने पर कुमारी शैलजा को हल, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कुमारी शैलजा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तीन काले कानून किसानों के लिए घातक हैं, सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। हमारे हर व्यक्ति को जो जीने का अधिकार दिया था, दलित को, किसान, वही कम्बिनेशन आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस द्वारा किया गया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की जो कार्यक्रम है उसके तहत किया गया जी। और किसान का जो मुद्दा है आज के दिन मुख्य रूप से जो मुद्दा है और वो कैसे आम जनमानस को प्रभावित करता है, आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, तीनों का काले कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार लेकर आई है और जिसके खिलाफ हमारे राज्य में भी हमारे राज्य का किसान और मजदूर खड़ा है, हम उन मुद्दों को लेकर पूरे राज्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी का किसान सम्मेलन।